नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विशाल खालरा। सबसे पहले खबर अयोध्या से है। नाबालिग से गैंगरेप के मामले को लेकर रेप पीड़िता के परिवार से मुलाकात की है डीएम और एसपी ने। पीड़ित परिवार को 5 लाख रुपए की आर्थिक मदद का भरोसा दिया गया है और बीकापुर विधायक अमित चौहान ने यह चेक सौंपा है। चेक सौंप दिया गया है, 5 लाख रुपए की मदद का चेक सौंप दिया गया है। अयोध्या में नाबालिग से गैंगरेप के मामले में डीएम और एसपी ने मुलाकात की है और बीकापुर विधायक अमित चौहान ने चेक सौंपा है। रेप पीड़िता के परिवार से मुलाकात की है डीएम और एसपी ने। 5 लाख रुपए की आर्थिक मदद दी गई है। अयोध्या के नाबालिग पीड़िता से बैंक गैंगरेप के मामले में अब डीएम और एसपी की मुलाकात, 5 लाख रुपए की आर्थिक मदद। ये मुख्य आरोपी को भी आप देख रहे हैं, जिसे लेकर आरोप ये लगाया जा रहा है कि जब पुलिस के पास पीड़ित परिवार पहुंचा तो पुलिस शुरुआत में इसका नाम लेने के लिए तैयार नहीं थी। आज इसके अवैध ठिकानों पर बुलडोजर भी चला दिया गया। एक बड़ा सियासी मुद्दा भी उत्तर प्रदेश में यह बन गया है और इस बीच 5 लाख रुपए की आर्थिक मदद परिवार को दी गई है। अयोध्या में 12 साल की नाबालिग के साथ जो घिनौनी वारदात हुई है, उसके बाद से एक बड़ा सियासी मुद्दा बन गया है। मुख्य आरोपी समाजवादी पार्टी से जुड़ा हुआ है और इसीलिए बीजेपी और समाजवादी पार्टी एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। समाजवादी पार्टी का कहना है कि आरोपी का डीएनए टेस्ट करवाइए और पता करवाइए कि जिसका नाम लिया जा रहा है वो वाकई इस केस में इन्वॉल्व है, संलिप्त है या नहीं है, और अगर नहीं है तो फिर अधिकारी क्षमा मांगे। बीजेपी कह रही है कि ऐसे घिनौने अपराध में भी समाजवादी पार्टी राजनीति करने की कोशिश कर रही है और अब 5 लाख रुपए की आर्थिक मदद परिवार को दी गई है। जिस जगह पर चौकी चल रही थी पुलिस की, जहां पर एप्लीकेशन लेकर परिवार पहुंचा था, वो भी इस मुख्य आरोपी के ठिकाने पर थी।